एक बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की, अलीगढ़ से आ रही है। संवेदनशील मार्केट में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने का आरोप लगा है। नशे में बताई जा रही दोनों लड़कियां, एक बताई जा रही है एएमयू की छात्रा। लड़कियों ने पुलिस से भी बदसलूकी की है। विरोध करने पर स्थानीय लोगों से भी भड़क गई, बदसलूकी की गई है। पुलिस ने लड़कियों को अस्पताल ले गई है पुलिस, और वहां पर मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। मलखान सिंह जिला अस्पताल में पुलिस ने जांच करवाई, मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। कोतवाली थाना इलाके के फूल चौराहे की यह पूरी घटना है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में दो लड़कियों ने नारेबाजी की है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया और बताया जा रहा है कि नशे की हालत में ये दोनों का मेडिकल करवाया गया है, और आगे की कार्रवाई में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और एक छात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एएमयू में पढ़ती है। आपको याद होगा कि तीन दिन पहले दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एएमयू के छात्र हैं, केमिकल बम बनाने की फिराक में थे, आईएसआईएस के आतंकवादी बताया जा रहे हैं। और एक और फिलिस्तीन के समर्थन में जो नारेबाजी हुई है अलीगढ़ में, उसमें से एक छात्रा बताई जा रही है नशे की हालत में शुरुआती तौर पर, और बताया जा रहा है कि वो एएमयू की छात्रा है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, नशे में बताई जा रही है दोनों लड़कियां जिन्होंने ये नारेबाजी की है, एक बताई जा रही है एएमयू की छात्रा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है, मेडिकल के लिए ले गई है। लड़कियों ने पुलिस से भी बदसलूकी की है, वहां जो स्थानीय लोग मौजूद थे मार्केट में उनके साथ बदसलूकी की गई है, और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। फिलहाल दोनों को पुलिस मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर के गई है, और आगे की कार्रवाई में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है अलीगढ़ से जुड़ी हुई। मार्केट में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, दो लड़कियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ में नारेबाजी हुई है, मार्केट के बीचों बीच नारेबाजी हुई है, और फिलहाल दो लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका मेडिकल भी कराया गया, और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन दो लड़कियों ने नारेबाजी की है। एक जो लड़की है बताई जा रही है वो एएमयू की छात्रा है, दोनों का मेडिकल करवाया गया है, और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नारेबाजी करती हुई ये दोनों छात्राएं बताई जा रही है, भीड़ भरे बाजार में इस तरीके से नारेबाजी करके क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अपने आप में बड़ा आरोप है, ये बड़ा सवाल है, और इसलिए पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया है, मेडिकल कराया गया है। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि दोनों लड़कियां नशे की हालत में थी, एक एएमयू में पढ़ती है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में यहां पर जुटी हुई है। प्रमोद हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कब ये नारेबाजी हुई और अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए कुंदन, ये पूरा मामला जो है वो अलीगढ़ के बेहद संवेदनशील इलाका, यानी जहां अलीगढ़ में कई बार जो दंगे हुए थे वहीं से स्टार्ट हुए थे, वहां ऐसे में दो लड़कियां पहुंचती हैं, और एक लड़की बताई जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा। दोनों लड़की नशे की हालात में थी, और इस दौरान वो फूल चौराहा यानी जहाँ मार्केट है और बेहद अति संवेदनशील मार्केट है, वहाँ लड़कियां जमकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करती हैं। और इतना ही नहीं, इस लड़कियों का जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों से बदसलूकी यानी छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाने भी लग गई। थोड़ी दूरी पर यानी वहां से 50 कदम की दूरी पर पुलिस की पिकेट बैठी हुई थी, जानकारी होने पर पुलिस पहुंच गई, और पुलिस ने किसी तरीके से जब समझाने बुझाने का प्रयास किया तो पुलिस पर भी लड़कियां हमलावर हो गई, यानी सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की। पुलिस को मजबूरी में महिला कॉन्स्टेबल सहित और अन्य पुलिस बल बुलाना पड़ा, सभी लड़कियों को वहाँ कोतवाली थाना इलाके में ले गए, यहाँ लंबे समय पूछताछ की। पूछताछ के बाद ठीक है, प्रमोद रोक रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।